फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म देवारा पार्ट वन से दो बड़ी अपडेट है। जहां बात करें इसके पहले अपडेट की तो देवारा के मेकर्स ने ये पोस्टर डालते हुए बताया है कि देवारा का पहला गाना फियर 19 मई 2024 को शाम 7 बजे देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें इसके दूसरी अपडेट की तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि देवारा के मेकर्स जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर को लेकर एक रोमांटिक सॉन्ग की शूटिंग करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग मेकर्स 24 मई 2024 से अंडमान निकोबार आइलैंड में करने वाले हैं, जहां पर इस गाने को 7 दिनों तक शूट किया जाएगा। आपको बता दें देवारा एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर कोटाला शिवा डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें जूनियर एनटीआर के साथ जानवी कपूर और सैफ अली खान जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और जूनियर एनटीआर की ये फिल्म हमें 10 अक्टूबर 2024 को तेलुगु के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। इस दरिया ने मछलियों से ज्यादा खून और खंजर देखे हैं, शायद इसीलिए इसे लाल समंदर कहते हैं। सूर्या की आने वाली अनटाइटल फिल्म सूर्या 44 के कास्टिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म में हमें सूर्या के अपोजिट पूजा हेगड़े लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और वहीं जोजो जॉर्ज विलन के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल तो नहीं है, तो देखना होगा कि सूर्या 44 की कास्टिंग को लेकर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। आपको बता दें सूर्या 44 एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर कार्तिक डायरेक्ट करेंगे, जिसकी शूटिंग मेकर 2 जून 2024 से स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा चांसेस है कि सूर्या की ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिले। रणवीर कपूर की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर दो बड़ी अपडेट हैं। जहां बात करें इसके पहले अपडेट की तो पहले कहा जा रहा था कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में रणवीर कपूर ही देव का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, पर अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र के मेकर देव के कैरेक्टर के लिए रणवीर कपूर और ऋतिक रोशन से बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में हमें देव के कैरेक्टर में कौन सा एक्टर देखने को मिलता है। और वहीं बात करें दूसरी अपडेट की तो कहा जा रहा है कि डायरेक्टर आयान मुखर्जी इस फिल्म की शूटिंग अपनी फिल्म वॉर 2 की शूटिंग को खत्म करने के बाद 2025 से स्टार्ट करेंगे। और रणवीर कपूर और आलिया भट्ट भी इस फिल्म की शूटिंग को 2025 से स्टार्ट कर देंगे। तो ज्यादा चांसेस है कि रणवीर कपूर की ये फिल्म हमें 2026 के सेकंड हाफ में देखने को मिले। तो जैसा कि हमने फिल्मी टॉक के वीडियो में बताया था कि सैफ अली खान डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ काम करने वाले हैं, तो अब इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है सैफ अली खान की ये फिल्म 2016 में आई मलयालम फिल्म ओप्पम की रिमेक होने वाली है। आपको बता दें मलयालम फिल्म ओप्पम को भी डायरेक्टर प्रियदर्शन ने ही डायरेक्ट किया था। और कहा जा रहा है कि डायरेक्टर प्रियदर्शन इसके रिमेक स्टोरी पर कई सारे चेंजेस करने वाले हैं, ताकि ये फिल्म नॉर्थ की ऑडियंस को काफी पसंद आए। आपको बता दें सैफ अली खान की ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें बॉबी देओल विलन के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। और वहीं मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग जुलाई या अगस्त 2024 से स्टार्ट करेंगे, जिसे लगभग 40 दिनों तक शूट किया जाएगा। और वहीं सैफ अली खान की ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या सैफ अली खान को रिमेक फिल्म करनी चाहिए या नहीं? और अगर आप ओपम के हिंदी डब वर्जन को देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को यूट्यूब पर प्राइम विटनेस के नाम से देख सकते हैं। विक्रांत मेस्सी की आने वाली फिल्म ब्लैकआउट की रिलीज डेट कन्फर्म हो चुकी है। जी हाँ, मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि विक्रांत मेस्सी की ये फिल्म हमें 7 जून 2024 से जियो सिनेमा में देखने को मिलेगी। आपको बता दें इस फिल्म को डायरेक्टर देवांग ने डायरेक्ट किया है, जिसमें हमें विक्रांत मेस्सी के साथ मोनी रॉय और सुनील जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और वहीं आने वाले कुछ दिनों में हमें ब्लैकआउट का ट्रेलर देखने को मिलेगा, उल्लू ऐप, जिसमें हमें एडल्ट कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि उल्लू ऐप के फाउंडर एक नए ऐप को लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा हरिओम। और मेकर्स इस ऐप में एडल्ट कंटेंट को नहीं बल्कि डिवोशनल कंटेंट को रिलीज करेंगे, जिसे ऑडियंस अपने फैमिली के साथ देख सकेगी। पर मुझे लगता है कि मेकर्स को हरिओम ऐप को तो लॉन्च करना चाहिए, साथ में उल्लू ऐप को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। छोटा भीम की आने वाली लाइव एक्शन फिल्म छोटा भीम एंड द कर्ज ऑफ दमयान के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। और बात करें इसके ट्रेलर की तो छोटा भीम का ट्रेलर देखने में काफी दमदार लग रहा है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि दमयान अपनी कैद से बाहर आ चुका है और वो एक बार फिर से दुनिया को कब्जे में करके इसको बर्बाद करना चाहता है। तो क्या छोटा भीम और उसकी पूरी टीम दमयान को रोक पाती है या नहीं, ये सब हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो छोटा भीम का ट्रेलर देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो देखना होगा कि ये फिल्म कैसी होती है। आपको बता दें छोटा भीम एंड द कर्ज ऑफ दमयान 31 मई 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को बेझिझक दांव पे लगा दे, ऐसा वीर बालक सच। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्मों से जुड़ी छोटी मोटी अपडेट जाननी हो तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।